नमस्कार, मैं हूं अलका। श्री वेंकटेश्वर आर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम पतला और क्रिस्पी मसाला डोसा कैसे बनाना है वो मैं सिखाने जा रही हूं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कढ़ाई में तेल लेना है। मैंने एक दो कलछी के बराबर लिया है और तड़के में राई डाली हूं। अब उड़द दाल और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है चने दाल डाल के। चना दाल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये अच्छे से लाल होने तक भून लिए। फिर अब हम इसमें हमने मिर्च डाला है। फिर हम कड़ी पत्ता ऐड कर रहे हैं, इसका भी फ्लेवर अपना है ही। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं और प्याज से इसका और अच्छा टेस्ट आ जाता है। मसाला डोसा में खास मसाला का ही बहुत अच्छा टेस्ट रहता है डोसा का। अब हमने हल्दी डाला है, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल होने तक नहीं करना था हमें। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ आलू को मैंने बारीक काट लिया है, या फिर आप मैश भी करके डाल सकते हैं, आपको जिस तरीके से पसंद हो चलेगा। मैंने टुकड़ों में डाल के रखा है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक डालकर। अब थोड़ी देर ढक देंगे हम इसे ताकि वो स्टीम में और अच्छे से मसाला पूरा एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए बनकर रेडी है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता के साथ साथ धनिया पत्ता भी मैंने ऐड करा है, इसका भी अलग टेस्ट आता है। आप ऑप्शनल है, धनिया पत्ता डालना है तो डाल सकते हैं, वरना नहीं। अभी हमारा मसाला बनकर रेडी है। अब हम चटनी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। मैंने सब इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगा मैंने लिख दिया है। चना दाल और मूंगफली को फ्राई करने के बाद उसमें हमने पानी ऐड किया है। इससे क्या होता है, फ्राई किया हुआ में बहुत अच्छा से सॉफ्ट हो जाता है गर्म पानी। पानी गर्म होने के बाद बस हरी मिर्च, इमली, नमक सब डालकर हमने इसे पीस लिया है। बस चटनी सॉफ्ट पीस दिया है, अब रेडी हो गया। अब हम इसके लिए तड़का लगाते हैं। एक चम्मच तेल में राई, उड़द दाल और हींग हमने डाल दिया है, कड़ी पत्ता। बस तड़का रेडी। चटनी में उसको ऐड कर देंगे। देखिए हमने झटपट चटनी भी बना लिया है, मसाला भी बना लिया। अब हम डोसा रेडी कर रहे हैं। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था डोसा कैसे प्रिपेयर करना है उसका बैटर के साथ, अब उसी चीज़ को हम तवे में स्प्रेड कर लिए हैं बैटर को। देखिए कितना पतला डोसा बना है। अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। आप चाहे तो ढेर सारा मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच के बराबर मैंने सब्जी लिया है मसाला। बस उसको अच्छे से फैला दीजिए। ऊपर से हल्का सा घी या तेल आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप लो ऑयल वाला फूड खाना पसंद करते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं उस चीज़ को। अब देखिए रेडी हो गया है। अब हम इसे नए शेप में फोल्ड करने जा रहे हैं। पिछले बार हमने देखा, आपने देखा होगा कि मैंने कोन डोसा बनाया था होटल के जैसा। अब हम इसमें ट्रायंगल डोसा बनाएंगे। बस ये अच्छे से तैयार हो गया है डोसा बनकर। देखिए मैंने 3 फोल्ड में इसे फोल्ड कर दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड फोल्ड एंड थर्ड फोल्ड। देखिए बहुत अच्छे से ट्रायंगल डोसा बन गया है। लग रहा है ना कि मस्त डोसा बना है। तो फिर आप लोग भी जल्दी जल्दी से प्रिपेयर हो कर लीजिए मसाला डोसा बनाने के लिए। अब देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी डोसा तैयार है। मैंने इसे उसी चटनी के साथ सर्व किया है और ये सांभर है। और सांभर का रेसिपी मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर बनाकर टेस्ट करिए। मेरा बेटे का फेवरेट मसाला डोसा, उसे बहुत पसंद है। वैसे ही आप भी बनाकर खाइए और खिलाइए। मेरे इस वीडियो को लाइक
एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.